पाठक का मैं रुख करता हूं, वरिष्ठ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संबित पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि मैंने मंदिर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने इसको मंदिर के साथ कैसे जोड़ दिया? बीजेपी सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने इसको मंदिर के साथ जोड़ दिया, आपने मंदिर के साथ जोड़ दिया, कई मंत्रियों ने मंदिर के साथ जोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मंदिर का नाम नहीं लिया। हमेशा नाम लेना जरूरी नहीं होता है। कई बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी कहती है 50 साल का नासमझ बालक, तो हम तो किसी का नाम नहीं लेते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी जाके केस कर देती है कि ये तो डिफेमेशन का केस हो गया जी, राहुल गांधी के खिलाफ कह दिया। हमने कहा नाम लिया था? हमने तो केवल कहा था 50 साल का नासमझ बालक, तो नाम थोड़ी लिया था, तो केस क्यों करते हैं आप लोग जाके? नंबर एक, देखिए ना, हम इतने मूर्ख नहीं है, हम सब लोग समझदार लोग हैं। जब आदरणीय पृथ्वीराज जी ट्वीट करके कहते हैं कि द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अप्रोप्रिएट द गोल्ड फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो आप तीन चीजें मुझे बताइए। पहली बात तो है कि इस पूरे भारतवर्ष में, या यूं कहिए पूरे विश्व में, कौन सी ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जहां गोल्ड डोनेट होता है? आप भी कहेंगे हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर ही है जहां गोल्ड डोनेट होता है। आपने कभी देखा है मस्जिद में लोग जाके गोल्ड डोनेट कर रहे हैं या मस्जिद के जमीन पे गोल्ड रख रहे हैं? वहां गोल्ड डोनेट नहीं होता है, उनके पास वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वो जमीन के रूप में होती है। चर्च में कोई गोल्ड डोनेट नहीं करता है, वहां भी जमीन होती है, वो एकरों में होती है। ठीक उसी प्रकार गुरुद्वारा में जो गोल्ड है, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं, वो उनके श्री मंदिर में लगा हुआ है और वो वहीं रहना चाहिए, वो उसी की शोभा है। तो स्वाभाविक है जो गोल्ड के बारे में ये कह रहे हैं, ये मंदिरों के बारे में कह रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, देखिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम भी समझते हैं, आप खुद यहाँ ट्रांसलेशन करके दिखाइए कि अप्रोप्रिएट का अर्थ क्या होता है। अप्रोप्रिएट का अर्थ होता है जबरन कब्जा कर लेना अपने फायदे के लिए। अगर आप हिंदी डिक्शनरी में जाके अप्रोप्रिएट का अर्थ देखेंगे तो यही होगा। तीसरी बात जो मैं पूछ रहा हूँ, देखिए चूंकि माननीय पृथ्वीराज जी एक बड़े नेता हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये गोल्ड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जहां तक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का सवाल है, ये जो स्कीम है ये आप हम पृथ्वीराज जी जैसे साधारण सिटीजन्स के लिए है कि वो अपने घर के गोल्ड को लाके मोनेटाइज करे, उसको रुपए में कन्वर्ट करे। हाँ, अगर कुछ मंदिरों ने स्वेच्छा से अपने गोल्ड को लाके मोनेटाइज करके मंदिर के ट्रस्ट को चलाने में उससे फायदा लिया है, तो वो उनके स्वेच्छा का विषय है, अप्रोप्रिएट नहीं किया जा सकता है, किसी को खींच के नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात, ये सारी चीजें कांग्रेस को लेकर मन में संशय क्यों है, मैं बताता हूं क्यों है। राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, कह के दिखा दे जो लोग मस्जिद जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, कह नहीं सकते हैं, मंदिरों के लिए कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि सोनिया गांधी जी कहती हैं और सोनिया गांधी जी के बड़े बड़े मंत्री कहते हैं। जब पृथ्वीराज जी मंत्री थे तब सिंधे जी कहते थे हिंदू आतंकवादी है, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को देख के रोते हैं, एफिडेविट दिया जाता है कि राम काल्पनिक है। जब आप इस प्रकार की बातें करेंगे और आज मंदिरों के विषय में कहेंगे तो स्वाभाविक है ये प्रश्न उठेंगे। अब संबित आपने तो इसको ट्रस्ट से इसको कांग्रेस एंटी हिंदू है उससे जोड़ दिया। मैं पृथ्वीराज चौहान का रुख करता हूँ। पृथ्वीराज चौहान साहब, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं और आपने एक ट्वीट करा जिसमें आपने लिखा कि तत्काल प्रभाव से ये सोना ले लेना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सोने का दान मंदिरों में ही होता है, मस्जिदों में तो नहीं होता, चर्च गिरजाघरों में तो नहीं होता, तो अमूमन उसी से अंदाजा लगाया गया कि ये मंदिरों के लिए ही है। इसीलिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने भी बोला है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। देखिए मुझे समय दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली बात तो भाई संबित पात्रा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, उन्होंने मेरा ट्वीट पढ़ा, लेकिन ट्वीट आधे ही पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया। सवाल यह है कि क्या जबरन लेने की बात मैं कह रहा हूं? अब अप्रोप्रिएट शब्द पे उनका आपत्ति है, मैं कहूंगा कि मैंने ठीक कहा है, लेकिन आधा आपने क्यों छोड़ दिया? आगे पढ़िए ना। आगे मैंने कहा है कि देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा कि बहुत सारा सोना पड़ा है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और फिर मैंने आगे उसी ट्वीट में कहा, कहीं और ट्वीट में नहीं, ट्वीट में मैंने कहा है कि दिस गोल्ड कैन बी बोरोड थ्रू गोल्ड बॉन्ड्स। अब गोल्ड बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा शायद, वाजपेयी जी ने इसका नाम जिक्र किया था, फिर मोदी जी ने किया था। दिस गोल्ड कैन बी बोरोड थ्रू गोल्ड बैंक्स एट ए लो इंटरेस्ट रेट। This is an emergency. Emergency क्यों मानते हैं? क्योंकि हम सड़कों पे देख रहे हैं क्या हालत हो रही है प्रवासी मजदूरों की, और सरकार पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये कहना है, और इसमें कभी कोई उद्देश्य नहीं था कि जबरन लेने का। अगर जबरन लेने का होता
तो संबित पात्रा जी, मैं कॉन्फिस्केट शब्द का प्रयोग करता हूं। अगर आपको कोई मेरी अंग्रेजी को आपत्ति है तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी मेरी क्या मंशा थी वो साफ होता है आगे पढ़ने। आपने बड़ी सहूलियत का आधा ही पढ़ा, आगे का नहीं पढ़ा, इसका क्या मतलब है? जब मैंने कहा है कि दिस गोल्ड कैन बी बोरो, जी जी, यानी कर्जा लीजिए, उस पर 2-3%, 1-2% का इंटरेस्ट दीजिए और गोल्ड बॉन्ड इश्यू करिए। क्या गोल्ड बॉन्ड पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं किए थे, जब अणु विस्फोट के बाद हमारे इकोनॉमिक सैंक्शन हमें लगे थे? क्या उस समय क्या आपने बात नहीं की थी? क्या उस समय वाजपेयी जी को मंदिरों ने सोना नहीं दिया था? और आप भी चलते जब नरेंद्र भाई ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में जेटली साहब ने जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम रखी थी, और पहले साल में जब 8 मंदिरों ने दिया था, आपके लोकसभा का जवाब पढ़िए, मैंने ट्वीट किया हुआ है कि 8 मंदिरों ने इस पे सोना दिया था स्कीम में। जी जी, अब ये स्वैच्छिक है, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना, हम तो सिर्फ जो राष्ट्रभक्त संस्थाएं हैं उन्हीं से मांग कर रहे हैं। जी पृथ्वीराज जी, बिल्कुल आप, आपका ये सजेशन है और लोकतंत्र में कोई भी सजेशन दे सकता है, लेकिन मंदिर तो काफी कुछ कर रहे हैं, ऑलरेडी काफी लोगों को खाना खिला रहे हैं, काफी चीजें हैं जो सार्वजनिक है। मुझे एक एक सिर्फ वाक्य पूरा कर दीजिए। जी जी जी, एक वाक्य पूरा कर दीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अब तक 2 प्रधानमंत्रियों ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ऐलान किया है, और इत्तेफाक से दोनों प्रधानमंत्री भाजपा के थे। जी, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, अंबाजी मंदिर ट्रस्ट ने 1 करोड़ 1 रुपए दिए, महावीर हनुमान मंदिर ने 1 करोड़ रुपए दिए, स्वामी नारायण मंदिर ने, मंदिर ट्रस्ट ने 1 करोड़ 88 लाख रुपए दिए, शिरडी साई बाबा ट्रस्ट ने, संस्थान ने 51 करोड़ रुपए दिए, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट ने गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन, कटरा का में राशन वितरण, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में अस्पताल के लिए दिया, कांची मठ ने 10 लाख रुपए पीएम केयर्स में दिए, 10 लाख रुपए तमिलनाडु के सीएम राहत कोष में दिए, महाकालेश्वर मंदिर ने पीएम केयर्स में 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए करीब करीब एमपी मुख्यमंत्री राहत कोष में